राम राम जी। आज आप लोग का स्वागत है मेरे हाथ के स्वाद चैनल पे। आज मैं आप लोग को अपने किचन में एक नई रेसिपी बताने जा रहा हूँ। सर्दियों की रेसिपी है और ये देसी मिक्स वेज है। बनाना बिल्कुल ही आसान है और इतना हेल्दी कि आप ये बनाना बार बार चाहेंगे। और इसमें बिल्कुल ही मसाले नहीं हैं और सब्जी सारी नई ताज़ी इस समय की मुझे सब्जियाँ हैं। ये देखिए, हमने दो बैंगन लिया था, दो तीन बैंगन है, एक केला है और दो तीन हरी लहसुन है, और यहाँ एक गड्डी सोया है। और देखिए, ये 8-10 सेम की फली है, गोभी का टुकड़ा है, गोभी फूल गोभी जो बोलते हैं, और एक ये पालक का एक गड्डी है, और यहाँ पे हमने ये आधा किलो मटर छुड़ा कर दे दिया है, और ये थोड़ा सा आलू बचा हुआ टुकड़ा, छोटा छोटा दाना, यानी कि इसको हम काट लेंगे और काट के बढ़िया से धो लेंगे। मैंने आपके पास जो भी सब्जी बची हो फ्रिज में थोड़ा बहुत, उसका सारे का मिक्स, क्योंकि आजकल यही सीजन चल रहा है, बैंगन पालक मूली गोभी मटर, तो इसमें से कोई भी आप एक सब्जी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बनाने का मेथड यही रहेगा और बिल्कुल आसान और बिल्कुल हेल्दी। इतनी मिक्स सब्जी तो हम डालते हैं खाली मिक्स वेज में, लेकिन ये देसी मिक्स वेज है और इस तरह से सब्जी आप बनाएंगे तो बड़े मज़ेदार। देखिए, ये सेम की फली को हम ये तोड़ देते हैं। ये घर में मैडम बैठी हुई है, वो तोड़ती हैं। बड़े बड़े हमारे दोस्त बोलते हैं, बनाती तो है कोई और आप बोलते हैं कि ये मेरे हाथ का है, दादाजी का ढाबा है। वो सारा काम हम ही करेंगे दोस्तों, तो सब्जी कौन बनाएगा फिर? और भी काम होता है बहुत करने का। तो इस तरह से हम सेमों को किनारे किनारे का छिलका निकाल देंगे, सेम की फली की ऐसे रेसा होता है उसको बाहर निकाल देंगे और तोड़ देंगे। आलू को हमने काट दिया है और पालक को साफ करके ये देखिए बारीक बारीक काट देंगे इस तरह से पालक को। दोस्तों, मैं अभी एक महीना पहले गांव गया था, तो वहां पर मैंने बच्चों के लिए एक चैनल बनाया है, लाला जी विलेज फूड। उस पर मैं बच्चों को शाम के टाइम नाश्ता कराता हूँ। अगर वो हमारा चैनल पसंद आता है तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। देखिए, बैंगन काट दिए हमने, केले को छील के काट दिए हैं, पालक काट दिए हैं, और ये देखिए सोया है, ये इस मौसम में ही सोया मिलता है। और सब्जियों में इसे इस तरह का डालने के बाद सब्जियों का रंगत ही बदल जाता है, मतलब इतना टेस्टी बन जाता है और इतना हेल्दी कि आप बनाएंगे तो भी आपको पता चलेगा। हमने सारा जितना भी साग था मैंने काट के और 4-5 पानी धो लिया, और धोने के बाद एक कढ़ाई बैठा दिया है। कढ़ाई में सारी सब्जियों को पहले पालक को नीचे डाल देते हैं ताकि ये फटाफट नीचे बैठ जाएगा, नहीं तो ये कढ़ाई में आएगी ही नहीं सब्जी, और ये बनाने के टाइम ये आधा कढ़ाई हो जाएगा। ये देखिए, हमने पालक को काट के इसी में डाल दिया, और ये देखिए यहाँ पर पालक सोया है, और इसमें हमने जो बैंगन गोभी और सेम की फली थी इसमें हमने काट दिया है, और इसको भी हम इसी में डाल देते हैं, और जो हमने मटर छुड़ाया था वो भी इसी में हम डाल देंगे, और जो आलू धो के रखा था आलू और ये सोया साथ में इसके साथ, इसको भी इसी में डाल देते हैं, क्योंकि नीचे पालक रख दिए हैं तो फटाफट नीचे उबल जाएगा और बैठता जाएगा, ये मतलब फटाफट बन जाएगा, नहीं तो दो कढ़ाई लगाना पड़ेगा इसी के लिए। और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे और इसको हम उबाल देंगे। देखिए, गैस का फ्लेम हाई कर दिए हैं और इसको देखिए, अभी ये 5 मिनट में ही ये आधा कढ़ाई हो गया, डेढ़ कढ़ाई की सब्जी आधा कढ़ाई हो गया, यानी कि पालक को सारा गल गया तो बैठ जाता है। इस तरह से आप बनाएं देसी मिक्स वेज, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देख के बताएंगे कि आपका मिक्स वेज कैसा बना। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। देखिए, हरा लहसुन इतना काट रखे हैं, थोड़ा सा सूखा लहसुन भी काट रखे हैं और हरी मिर्च काट रखे हैं। जिस कढ़ाई में हमने सब्जी को उबाला था उसी को साफ कर दिए हैं, और दूसरा हम उसी में हम सरसों तेल डालते हैं। ये 2 छोटा चम्मच सरसों तेल है। ये जीरा और लाल मिर्च से हम तड़का मार देंगे, 3-4 लाल मिर्च है और 1 छोटा चम्मच जीरा है, इससे हम तड़का मारेंगे। और इसमें मसाले कोई हम नहीं डालते हैं, ये खाली तड़के से ही सब्जी बनती है। इतना बेहतरीन बनेगी कि आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी पराठे के भी साथ खा सकते हैं, और बहुत हेल्दी और बेहतरीन सब्जी। इस तरह का सब्जी आप बनाएं और खाएं, बहुत ही फायदेमंद है। और सर्दियों में ऐसा फ़ायदा उठाना है वो उठा लीजिए, क्योंकि गर्मियों में ये सब ना चीज़ें मिलेंगी और ना हम खाएंगे।
आप जो भी कमेंट्स करते हैं उसका हम कोशिश करते हैं कि वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड करें, और जो भी आप कमेंट्स करेंगे वीडियो के लिए रिक्वेस्ट करेंगे उसको भी हम कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी उसका वीडियो अपलोड करें। ये देखिए हमने जो दोनों तरह के लहसुन और हरी मिर्च लिया था उसको भी इसी में भून लिया है जीरा और लाल मिर्च के तड़के के साथ, और यहीं पर हम टमाटर डाल देते हैं आधा किलो टमाटर। और आपका पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम 5 मिनट ढक के पका लेंगे ताकि ये जो हमारा टमाटर है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, और उसके बाद जो हमने साग निकाल के रखा है उसको इसी में हम डाल देंगे, और हमारी ये सब्ज़ी अब 5 मिनट के बाद तैयार। मैंने 15-20 मिनट फिर भी लग जाता है इस सब्ज़ी को बनाने में, लेकिन इतना हेल्दी सब्ज़ी आप जब बनाएंगे और खाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि कितनी हेल्दी सब्ज़ी है। और यहीं पर स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं हम, इसमें कोई मसाले नहीं डालते हम, कोई भी मसाले। आप चाहें तो इसमें हल्का हल्दी डाल सकते हैं बस, और बाकी मसाले आपको ज़्यादा ही मसाला पसंद है तो आप लाल मिर्च, गरम मसाला, ये तो सारी सब्जियों में डलती है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला डालेंगे तो ये सब्ज़ी मतलब मसाले वाली सब्ज़ी हो जाएगी, हेल्दी नहीं रहेगी वो। तो इस तरह से बनाएं, और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको हमारी ये देसी मिक्स वेज की सब्ज़ी कैसी लगी। ये देखिए सब्जी हमारा खोल गया है बढ़िया से, तो आप इसको खा सकते हैं, खाने के लिए तैयार है सब्जी। तो फिर हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।